पाप पुण्य दोए एक समान, मैं बहुतात कुछ नहीं बयान करांगा, सिर्फ टूक मात्र। पाप पुण्य दोए एक समान, सम बराबर ने, इको कुछ ना। पहले देखना पड़ेगा मनुख पाप क्यों करता है। अज्ञान करके करता है, ना समझी करके करता है। तो पाप किसनु कहते ने, किसी नु दुख पहुंचाण दी सोचना, बस यही पाप है, और कोई पाप नहीं। किसी नु भी चोट पहुंचाण दी सोचना, जान दी चोट, माल दी चोट, या इज्जत आबरू दी चोट, ये तीन चोटा ने। अगर कोई मनुख कह देवे ना मैं खतरे दे चा, तो खतरा भी सिर्फ तीन थावां ते आउंदा है, जान नु खतरा, माल नु खतरा, इज्जत आबरू नु खतरा। होर की खतरा होंदा, होर तो कोई खतरा नहीं होंदा। जो ऐसा सोचे कि इहदी जान नु चोट पहुंचाना या इहदी जान खोनी है, इहदे माल नु चोट पहुंचानी है या इहदी धन संपदा खोनी है, इहदी इज्जत लुटनी है, ये खतरे तीन, बस यही पाप है। किसे दी जानो माल इज्जत लुटन दी सोचना, खोन दी सोचना, बस ये सोचना ही पाप है। बस सोचे है पाप हो गया, पर लुट ले है, किसे दी जान खो लिए, ये अपराध हो जाता है, ये विचार कृत बन गया है, ये सोचनी करनी बन गई है, ये विचार किरदार बन गया है। वो जिहड़ा किरदार है, वो जिहड़ी कृत है, वो समाज ते कानून दी पकड़ विच आउंदी है, विचार पकड़ विच नहीं आउंदा। इत्थे स्टेज ते बैठा जे मैं बुरा सोचा, थानू की पता, ते किसे कानून नू की पता, पुलिस नू की पता। पाप ते मनुख किसे थां भी कर सकदा है, पुलिस स्टेशन ते बैठ के भी पाप कर सकदा है, तां भी पुलिस नू कख नहीं पता। अदालत विच बैठ के भी मनुख पाप कर सकदा है, तां भी जज नू कख नहीं पता, मुनसफ नू कुछ भी नहीं पता। पाप दुखां दा बीज है। पाप किवें मिटाई है, यहूदी, इस्लाम, पारसी, ईसाई, ये कहिंदे ने पुन नाल मिटाओ। किसे दी जान खोण दी सोची सी, तो किसे नू सुख देण दी सोचो। किसे दा माण सन्मान खोण दा सोचिया सी, ते किसे नू माण सन्मान दिओ। किसे नू रुलाण दा सोचिया सी, ते उनू हसाओ, खुशी दिओ। ये पुन है, इहदे नाल पाप कट जाणगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी कहिंदी है, नहीं कटदे, नहीं कटदे। औखे ना होना। मैं फिर अर्ज करा, यथार्थ बोलने, आप इतने सारे बैठे पुन ते सारे ही कर दें थोड़े बहुत, ते पुन कर दें या ही सारे दुखी भी हैं, हर एक दे दुखां दी अपनी अपनी समस्या है। मेरा मन कता ही नहीं मनदा कि कोई सुखी होवेगा, ये भी मैं अर्ज करा। तुसी आखोगे फिर मेरी मनोत गलत है, नहीं, मैं मनोत बनाइए गुरबाणी की पंक्ति के असार ते, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तन मन दोहानों मन दी दुखी है। तन देच रोग ने, मन देच सोग ने। मन दा दुख की है, सोग ते चिंता, ते तन दा दुख की है, एक रोग बीमारी। सारे ही तन रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग सीमा दे चोवे ते असी कह देने है तंदुरुस्त है, नहीं, बीमार है। रोग सीमा दे चे, जे रोग पीड़ा नहीं बनया, रोग दर्द नहीं बनया, रोग ते है। अगर रोग नहीं है तो फिर बुढ़ा किस तरह हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, बाकी जिहड़े रोग ने दवाइयां नाल उहनां दी पीड़ा नूं सीमा च कीता जा सकदा है, रोग सीमा विच नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करदे आ, कि निराशा भरे बोल ना समझ लेना,
जो जो दिसे सो सो रोगी, तुम 6 अरब के करीब मनुख ने रोगी मन लीए, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह रही है, रोगी ने सारे रोगी ने। रोग सीमा दे चोवे असी कहिंदे आ तंदुरुस्त है, रोग सीमा तो अगे लंघ गया, पीड़ा बन गया, दर्द बन गया, असी कहिंदे बीमार नहीं। जो पीड़ा नहीं बनिया, दर्द नहीं बनिया, वह मनुख भी रोगी है। रोग अजे सीमा दे च, पीड़ा नहीं बनिया। फिर पीड़ा बने तो औषधियां की कर दियां ने, पीड़ा खत्म होवे, कोई बीमारी जड़ों नहीं पुट्टी जांदी, दूसरा रूप धारण कर लेंदी है। ऐसा धार्मिक ग्रंथ कहिंदे ने। अगर रोग मिट जाए तो फिर बुढ़ेपा मिट जाएगा। वही अंदरूनी रोग उसनों एक दिन बुढ़ा कर देता है, फिर बुढ़ेपे की पीड़ा नूं सीमा दे च भी नहीं किया जा सकता। बुढ़ेपे की अपनी एक पीड़ा है, पैर है गए ने ढंग नाल चल नहीं सकता, जबान है गए लड़खड़ा गई है, मुंह च दंद गिर गए ने, अखां है गए ने ढंग नाल वेख नहीं सकता, कन है गए ने ढंग नाल सुन नहीं सकता, हाथ कमजोर हो गए ने, दूजे दे सहारे नाल चलदा है, बेचारा चल नहीं सकता। जब लग जरा रोग नहीं आया, रोगी ते तू है, पर जिन्ने चिर तक तेरे ते बुढ़ेपे का रोग नहीं आया, और किसे रोग का नहीं जिक्र किया। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। जिन्ने चिर तक तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं, जितने चिर तक तेरे हथे पैरां नूं कंबड़ी नहीं छिड़ी, तेरा शरीर को बड़ा नहीं होया, तू लागर ते कमजोर नहीं होया, भजन कर ले, नाम जप ले, नहीं तो ऐसा रोग आएगा जिदी पीड़ा नूं सीमत विच ही नहीं कर सकेगा, वो वधदा जाएगा, पीड़ा वधदी जाएगी। जब लग जरा रोग नहीं आया, तन रोगी है, सारे रोगी ने, सारे बुढ़े आउणगे, बुढ़ेपे का रोग सारिया के अंदर है। मन सोगी है, मन विच चिंता है, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, चिंतत ही दिसे सब कोय। सतगुरु कहिंदे ने सारे ही चिंता तुरने, एक बंदे बारे नहीं कह सकते निश्चिंत है, एक वास्ते भी नहीं कह सकते, सारे ही चिंता तुरने। चिंता अलग अलग हो सकती है, चिंता के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता तो है। तन दुख प्रगट होंदा है तन दे च रोग बन के, दुख प्रगट होंदा है मन दे च सोग बन के। नाम जपण दा मतलब रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। क्या हरी दा जन बुढ़ा नहीं आंदा ते मरदा नहीं? मरदा है, बुढ़ा भी आंदा है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। फिर ये पंक्ति, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। तन रोग है, मन सोग है, हरी दा जन तन मन दोहां तो पार चला जाता है, जीवदा है, तन दे तल ते नहीं जीवदा, जीवदा है, मन दे तल ते नहीं जीवदा। ये अवस्था उसनों किस तरह मिलती है? ये नाम जप के मिलती है। नाम तन तो परे कर देता है, उदी सुरत नूं, उदी चेतना नूं, नाम मन तो भी परे कर देता है। रोग सोग अपनी थां ते बने रहिंदे ने, अगे लंघ जांदा है। यही कारण है ऐसे पुरुष दे बंद बंद कट दिते गए, हसदा रहा। ऐसे मनुख नूं सूली ते टंग दित्ता, हर गया, खुदा दा शुकराना करदा रहा।
ऐसे मनुख नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता गया और कई दिन दे भुखे रसना तो बोल निकले आ गया मैं भोग भूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जाने सोग हरख नहीं जान खुशी गमी असी नहीं जाने नहीं मंदे सोग हरख नहीं जाने जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने। इस तरह के मनुख तन ते मन दोहां तो अगे लंघ जांदे सोग भी पिछे रह जांदा है रोग भी पिछे रहिंदा है संसार चौंके तन दे तल ते जीवदा है रोगी जीवदा है रोगां विच जीवदा है संसार चौंके मन दे तल ते जीवदा है तो चिंतावां विच जीवदा है चिंतत ही दिसे सब को है। हुण मैं फिर अर्ज करां पुन नाल पाप नहीं कटदे पाप पुन ते भई कहावत क्यों पहले देखना पड़ेगा मनुख पाप क्यों करता है। मैं फिर दोहरावां पाप दे तीन ही कारण ने लोभ काम ते हंकार इस करके पाप करता है। किसी का बुरा क्यों सोचता है हंकार करके किसी का बुरा क्यों सोचता है लोभ करके किसी का बुरा क्यों सोचता है काम करके ये पाप है। पाप करता है लोभ करके हंकार करके काम करके पर काम लोभ अहंकार ये क्यों करता है अज्ञान करके ना समझिए इनू पता नहीं दूजे नू दिता गया दुख पलट के वापस आ जाता है कई गुणा पलट के वापस आता है। ये भी मैं अर्ज कर दिया दूजे नाल कीती गई बुराई कई गुणा वध होके वापस आउंदी है और अपनी झोली विच पै जांदी है। इसे नूं भाई गुरदास कहिंदे ने दित्ता लईए आपणा अण दित्ते किछ हथ ना जो जगत नूं देंदिआं पलट के वापस आउंदा है। मनुख पाप क्यों करदा है अज्ञान करके मनुख पुन क्यों करदा है अज्ञान करके दान कर रहा है पाठ कर रहा है तीर्थां ते जा रहा है समझ कख भी कोई नहीं अज्ञान। पाप दी बुनियाद की सी अज्ञान ते पुन दी बुनियाद की सी अज्ञान तो गुरबाणी कहिंदी है दोवें इक हो जाने पाप पुन दोवें इक हो जाने अज्ञान वस हो के पुन पिया करदा अज्ञान वस हो के पाप पिया करदा ना समझी करके पुन पिया करदा ना समझी करके पाप पिया करदा ते जद है ही ना समझी तो इनू पाप पुन की समझ है दोवें अज्ञान तो निकलते पैन लोभ करके पाप कीता सी लोभ करके ही पुन पिया करता है भी थोड़ा बहुत दान दिता है बड़ा कुछ मिलेगा जन्नत मिलेगी स्वर्ग मिलेगा बड़ी लंबी चौड़ी मंग है थोड़ा जिया कुछ पुन कीता है बड़ा प्रबल हंकार है उन जगत मैनू महान आके चंगा चंगा करके आके ऐसा पुनीत लभना बड़ा औखा है जो हंकारी ना हो तो अहंकार ते खुद स्वयं एक पाप है। पाप पुन दोए एक समा इन्हां तो मनुख पार किवें जावे जप करके ते जप किवें करिए गुरबाणी कहिंदी है कोई ढंग नहीं है कोई ढंग नहीं है कोई तरीका नहीं है। यही कारण है कि जितने अवतार होए अपने ही ढंग दे होए एक दा ढंग दूजे नाल नहीं मेल खांदा। प्रिंसिपल गंगा सिंह कहा करदे सन जे सारे अवतार इक्को ही समय होए आउंदे ते इन्हां दे जीवन दा ते भगती दा ढंग भी इक्को आउंदा कम से कम मजहबी खून खराबा ते नहीं आउणा सी ना जिहड़ा हुंदा पिया। राजनीति दे नां ते जितना खून खराबा होया है उस तों दुगणा होया है धर्म दे नां ते। एक हजार साल तक यहूदी मार खांदे रहे ईसाइयां तो मुसलमानां तो सुलह अजे भी नहीं है इस्लाम नाल सारे अरब चाहते ने इसराइल तबाह हो गए
अजे भी 16 कोई ने। बोध ते सनातन मत बड़े लंबे समय तक टकराते रहने आपस दे, हिंदू मुसलमान फसाद बड़े भारी आते रहने, मुसलमानों दे दो फिरके ने शिया ते सुन्नी, साल दे साल खून खराबा हो जाता और रज के आता। सिखां दे अलग अलग विचारधारा करके आपसी खून खराब है, आपस दे मतभेद, धार्मिक मतभेद। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने दलील दी सी, काश ये सारे अवतार इक्को समय आते, और सिर्फ इक्को ही समय नहीं, इन्हों का ढंग भी इक्को आता, यह दुबधा नहीं होनी सी, कम से कम मजहब के नाते खून खराबा नहीं होना सी। कसम कम से कम धर्म के नाते खून खराबा नहीं होना सी। हुण धर्म ते प्यार है, धर्म ते दया है।